उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट पर अब तक बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में अलग अलग दलों के सांसदों ने गाजीपुर से जीत दर्ज की है। 2009 में सपा उम्मीदवार राधे मोहन सिंह, 2014 में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा और 2019 में बसपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की थी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब गाजीपुर सीट यूपी की सबसे हॉट सीट हो गई है, जिस पर पूरे देश की नजरें हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक सहानुभूति लहर गाजीपुर में देखने को मिल सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की सभी 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। 2019 और 2022 के चुनावी रिजल्ट को देखकर बीजेपी की लीडरशिप गाजीपुर सीट पर उम्मीदवार का चयन नहीं कर पा रही है। बीजेपी ने 2014 में डॉक्टर मनोज सिन्हा को गाजीपुर से लड़ाया था, जिन्होंने करीब 32,500 वोटों से जीत दर्ज की थी। उनकी पहचान विकास पुरुष के तौर पर हुई, लेकिन 2019 में सपा बसपा गठबंधन उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने उन्हें 1,19,392 वोटों से शिकस्त दी थी। डॉक्टर मनोज सिन्हा मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। फिलहाल उनके चुनाव लड़ने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में बीजेपी की चिंता और बढ़ गई है। वहीं समाजवादी पार्टी मतदान से पहले ही गाजीपुर सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी गाजीपुर सीट एनडीए गठबंधन के साथी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी को दे सकती है, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के बाहुबली ब्रजेश सिंह को उम्मीदवार भी बना सकते हैं। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि बीजेपी कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय को गाजीपुर से प्रत्याशी बना सकती हैं। फिलहाल इतना साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी गठबंधन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी।